काफ़ी सुपर जा रहे हैं. सो वी कैन से वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर, लाइक वी आर लिटिल बिट लॉस्ट समवेयर. कौन सा कैसल ढूंढ रहे हैं हम? क्रेग एवर. क्रेग एवर कैसल ढूंढ रहे थे हम, एंड वी आर लॉस्ट इन स्कॉटलैंड. हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग. टुडे इज डे टू इन एडिनबर्ग, और मैं था अपने रूम पे एयरबीएनबी में, और जस्ट उठा मैं आधे एक घंटे पहले, फ्रेश हुआ, थोड़ा मुंह बो धोया, और मैंने सोचा कल का डेटा कॉपी कर लेता हूँ. तो मैं बस बैठ के वही कर रहा था, और ये है मेरा विंडो का व्यू, और यहाँ से सूरज देवता दिख रहे हैं और धूप भी आ रही है, तो बहुत बढ़िया बात हो गई. और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है जो कि नॉमिनल है, फ्लैट्स के पीछे का व्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता व्यू से. ठीक है, जो बाहर जाके देखना है देख लेंगे. और एडिटिंग बस चल ही रहा था, और मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी मंगवा लेता हूँ. ये वीगन सॉसेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ कम्प्लीटली. और इसमें मेरा बर्गर, और ये है मेरी कॉफ़ी. तो मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करता हूँ. ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रेडी हो गया, और अभी मेरी वीडियो रेंडर हो रही है और मैं वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का. तो अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, मेरा फ्रेंड उज्जवल मेरी वेट कर रहा है. तो यहाँ से वो कार पार्क है वहाँ पे खड़ा है. तो बाय बाय लवली रूम ऑफ एयरबीएनबी, हम मिलते हैं थोड़ी देर में. ये है एडिनबर्ग की, कौन सी स्ट्रीट थी, मेरा एड्रेस ही मैं भूल गया. ठीक है, कोई नहीं, कार पार्क कहाँ है वो देखते हैं हाँ लोकेशन में, और फिर चलते कार पार्क की. और वो बाहर मेरा वेट कर रहा है कार पार्क की. तो चलते चलते मेरे रास्ते में आ गया है एडिनबर्ग कैसल, ये रहा ऊपर पहाड़ के. तो अपने राजस्थान में जैसे जोधपुर में है एक मेहरानगढ़, हाँ वैसा ही है ये भी, पहाड़ पे बनाया हुआ. ये रहा मेरे पीछे एडिनबर्ग कैसल. थोड़ा रास्ता इधर उधर हो गया है मुझसे, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए उज्जवल. तो लेफ्ट में कैसल, मेरे फ्रेंड की कार मुझे मिल गई है, और अब हम लोग निकल रहे हैं. तो बाय बाय कैसल, अच्छा बना है वैसे. अपने राजस्थान में तो बहुत है ऐसे. तूने जोधपुर वाला देखा है मेहरानगढ़, वो कैसा है यार, ये बस उसके जैसा ही बनाया है, मेहरानगढ़ जैसा ही है, लेकिन कंपेयर करना नहीं चाहता मैं. 7:13 एडिनबर्ग, और अभी तक सोचो आप लोग अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी तक धूप है. मतलब यहाँ पे ये रहे सूरज देवता चमक रहे, चमचमा रहे. और कल की बात है, कल बज रहे थे 9, और कल भी धूप थी. और मैं कहीं आज गया नहीं हूँ, लेकिन कल जा रहा हूँ मैं एबरदीन. तो जो भी है ब्लॉग पूरा देखना अगर आप लोग देखना चाहते हो स्कॉटलैंड और एडिनबर्ग. आज है डे 2. And you also guys take care, and I'll meet you soon. Bye. वेलकम बैक टू माई व्लॉग. टुडे इज डे 3 इन स्कॉटलैंड, आई एम स्टिल इन एडिनबर्ग. एक बर्थ ऑस्ट्रेलिया में और एक यहाँ स्कॉटलैंड में भी है. जैसे जैसे हम नॉर्थ जा रहे हैं वैसे वैसे सीनिक व्यू इतना ब्यूटीफुल होता जा रहा है कि कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पाएगा. आप लोग पहाड़ देख सकते हो मेरे लेफ्ट में, मतलब पूरा पहाड़ पे हूँ, और आगे भी देख सकते हो आप. पर ये रहा, हमने बाईपास कर लिया.
जो भी इससे अच्छा आएगा मैं कैप्चर करूँगा। और पर्थ स्कॉटलैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब काफ़ी सारे नाम है जो कि यूके में और कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे वो नाम रखे गए, तो जहाँ पे ब्रिटिश राज था वहाँ पे इनके नाम रखे गए हैं। क्रेगेवर कासल, सोचा कि एक आध कैसल तो देखे अंदर जाके, नहीं तो कम से कम बाहर जाके। और ये है उसका, पहले हम पहाड़ पे चढ़े और फिर ये नीचे आए एकदम, मतलब घाटी में होगा पहाड़ की, ऐसा ही अज्यूम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम जो नीचे आए वहाँ से वापस ऊपर जा रहे हैं। सो वी कैन से वी आर इन मिडल ऑफ नोवेयर, लाइक वी आर लिटिल बिट लॉस्ट समवेयर। कौन सा कैसल ढूंढ रहे हैं हम? क्रेगेवर कैसल ढूंढ रहे थे हम, एंड वी आर लॉस्ट इन स्कॉटलैंड। कैसल क्लोज लिखा है पर हम ट्राई करते हैं, कैसल क्लोज होगा ना, बाहर से तो थोड़ी कुछ बंद होगा, बाहर से देख के आ जाएंगे दर्शन करके। चुके हैं क्रेगेवर कैसल, जिसको सिंड्रेला कैसल भी बोलते हैं। अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। भूख लगी थी खतरनाक वाली, रुक के सैंडविच लिए हमने। यहाँ पे ऐसी होती है भैया सैंडविच, ना मेयोनीज ना केचप नो नथिंग, तो सिर्फ ब्रेड और चीज़ चबा रहा हूँ। दूसरी वाली भी ऐसी है, थोड़ा उसमें अच्छा है मतलब, तो वो बाद में खाएंगे। और अभी हमें बांचोरी गांव में, यहाँ का टेस्को है, तो ढूंढते ढूंढते हमारी निकलने वाली थी क्योंकि हम दोनों को लगी थी जोर से एक नंबर, लेकिन फाइनली पहुंच गए। वे सैंडविच खाते हैं, चिल करते हैं। और फिर जब मैं कहाँ चले भाई आगे, मैं तो भूल जाता हूँ यहाँ के सब नाम, वो कहा था तो मेरे को भी याद नहीं, कोई कह रहा है आगे बता रहा हूँ बाय। ये तो हमें बांचोरी से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वो दूसरे एक कैसल की तरफ, वहाँ क्या स्टोन हेवन हाँ स्टोन हेवन है वो जगह का नाम, और वो कैसल का नाम तो कुछ और ही है, डुनोतर, हाँ डुनोतर या ऐसा कुछ कैसल है। लेकिन ठीक है चलते हैं, और अभी भी हम कंट्री साइड में स्कॉटलैंड में कहीं पे, तो सो फार सो गुड, आई विल मीट यू देयर व्हेन आई रीच, एंड इफ देयर वुड बी समथिंग एज यूजुअल यू नो इट विल बी एडेड इन द व्लॉग फर्दर। फाइनली हमें मिल गई है कोस्टल रोड और हम लोग पहुंच भी चुके हैं शायद वो कैसल के नज़दीक। पहुंच चुके हैं हम डुनोटर कैसल, जो कि कोई पुराना कैसल है यहाँ पे। डेंजर नो एंट्री, यहाँ से मैंने देखा था किसी को ऊपर आते हुए, वहाँ जा सकते हो शायद आप, लेकिन अपन को नहीं जाना, अपन इससे जाते हैं। छोटा सा वाटरफॉल है, बताओ
आर ओनली एक्सेप्टिंग कार्ड पेमेंट्स एट द टाइम। तो भैया ये है डू नॉट कैसल। तो अभी कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे अंदर जाने की, क्योंकि यहाँ से पूरा नीचे जाके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कार्ड पेमेंट, कार्ड भी अपने पास पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मतलब है फोकट में 30-40 पाउंड देने का। अच्छा यहीं से व्यू लेके थोड़े फोटो खींच के वीडियो वीडियो बना के अपन निकल लेते हैं। और यहाँ से मतलब पूरा वहाँ पे विंडमिल्स भी है दिख रहे हैं, और ये है पूरा कोस्टल रीजन स्कॉटलैंड का। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था सीन, और हवाई इट वाज वेरी वेरी विंडी एंड इट वाज वेरी 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 कोल्ड। हीटेड सीट का मज़ा लेते हैं और गाड़ी को थोड़ा गर्म करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय डू नॉट कैसल, फिर मिलेंगे कभी अगर हम लोग आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थ्री